हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली। होली आप लोग कब मना रहे हो ये बता दो, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज है यार। 25 को मनाए या 26 को मनाए, कब मनाए, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे ना मैं 25 को मना रही हूँ और मैंने सोचा कि चलो एक ब्लॉग शूट कर लेते हैं होली का। तो आप सभी को मैं अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं कैसे अपना होली सेलिब्रेट करूंगी। तो आज ना 24 मार्च है, होली से एक दिन पहले का वीडियो ये। और मुझे ना मेरी मम्मी ग्रोसरी का आइटम्स बहुत सारा लिस्ट बना के दे चुकी है कि तुम जाओ पापा के साथ और ग्रोसरी का आइटम्स तुम ही लेके आओ। तो अभी मैं जाऊंगी अपने पापा के साथ बाहर और बहुत सारे सामान लाने हैं। लिस्ट में आपको उस टाइम दिखाऊंगी जब शॉप पे जाऊंगी। देखो मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रही हूँ और मम्मी यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह खा रही है। मॉर्निंग का टाइम है, मैं आपको बता दे रही हूँ। और मॉर्निंग ही मैं जा रही हूँ पापा के साथ वो सामान सब लाने के लिए। और मम्मी को ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं मम्मी का फोटो ले रही हूँ बट नहीं, ब्लॉगिंग कर रही हूँ मम्मी। तो अब ना तुम कंटिन्यू कर सकती हो, खाओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाय, मेरी मम्मा का स्माइल तो देखो। तो मैं बैठ चुकी हूँ पापा के साथ और हम लोग का सवारी स्टार्ट हो चुका है, जा रहे हैं शॉप पे। ये इतना बड़ा झोला भी मम्मी टंगवा चुकी है, बहुत सारा सामान लेना मेरे को। लीजिए आगे टांग दीजिए। होली से 15 दिन पहले ही सारे दुकान पे ना पिचकारियाँ और होली के जो गुलाल होते हैं, रंग होते हैं, लग जाते हैं। और यहाँ पे भी मेरे साइड कुछ ऐसा ही सीन था। हर दुकान में रंग तो आपको मिल ही जाएगा। और यहाँ पे देखो ये सब जो लड़के हैं ना, ये सब ना कपड़े फाड़ होली खेल रहे हैं। ये ना मीठापुर का जो सब्जी मंडी है ना, उसके आगे मैं आई हूँ और यहाँ पे एक लाइन से होलसेल मार्केट यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे सारे होलसेल शॉप दिख जाएंगे और यहीं से मैं अपने घर का सामान लूंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलो पापा के साथ चलती हूँ मैं। यहाँ पे आपको हर चीज ना होलसेल रेट पे मिलेगी, ग्रोसरी की जितनी भी आइटम्स होती है। तो हम लोग यहीं पे आते हैं हमेशा। दुकान का क्या नाम है? पूजा फूड कम्युनिटी प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे आपको एक लाइन से सारी शॉप दिखेंगी, बट ये शॉप में मैं आती हूँ और यहाँ पे ऊपर पूरा इनका एड्रेस लिखा हुआ है, नेम प्लेट पे इनका नाम लिखा हुआ है शॉप का। और यहाँ पे ना आपको दाल मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, गेहूँ मिल जाएगा, हल्दी, बेसन, सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो मैंने एक लिस्ट तैयार की थी और पापा को व्हाट्सएप पे सेंड कर दी थी। यार ये पापा का फ़ोन है तो पापा के फ़ोन से मैं सब कुछ देख के इनको अब बोलूँगी एक एक लाइन से। और यहाँ पे मैं और पापा दोनों चावल देख रहे थे कौन सा चावल घर में लेना है। तो ये वाला जो चावल था, यही वाला हम लोग ने डिसाइड किया कि आएगा हमारे घर पर। तो यहाँ का जो सिस्टम है ना, पहले पैसा दो तब उसके बाद आपको लिस्ट तैयार करके देंगे। तो यहाँ पर हम लोग का लिस्ट बन चुका है और यहाँ पे हम लोग अब सामान अपना लेंगे और फटाफट से घर जाएंगे। तो सबसे पहले ना पापा ना आटा का 25 किलो का ये आटा का जो बोरा होता है ना, वो लिए और पापा पहले घर जाएंगे, इसको रख के आएंगे। फिर उसके बाद दोबारा हम लोग को दूसरे शॉप पे भी जाना है, वहाँ से भी बहुत सारे सामान लेना है। तो जब तक पापा नहीं आते तब तक ना ये सारे सामान ले के मैं जाती हूँ दूसरे शॉप पे और उनको अपना लिस्ट थमा दूंगी। मोहन अबीर को अबीर का पैकेट कहाँ? ये आया। देखो इस शॉप से भी ना हम लोग इतने सारे आइटम्स लिए हैं और यहाँ पे भी पेड हो चुका है। तो अब निकलते हैं घर के लिए और यहाँ पे मैं सामान लेके जा रही हूँ और बाइक से बैठूंगी तो फटाफट से घर जाऊंगी। गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रखी थी। कैसा खीरा? 80 रुपए किलो। आप इतना महंगा हो गया है? हीरा बेच रहे हो या हीरा मोती, ये बता दो अंकल जी। देखो कल होली है और घर को भी साफ करना बहुत ही जरूरी है। तो मैं अपना रैक देखो यहाँ पे क्लीन करने वाली हूँ। यहाँ पे देखो कितने मतलब गंदे पड़े हुए हैं कपड़े, ऐसे वैसे मैं रख देती हूँ। टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है क्योंकि वीडियोज बनाना, अपलोड करना रहता है, इस वजह से। तो आज है मेरा क्लीनिंग डे और मैं आज क्लीन करने वाली हूँ। इस टाइम में जितने भी कपड़े है ना, सबको यहाँ पे अरेंज करके रखूंगी मैं। तो चलो ब्लॉग में बने रहो और मैं दिखाती हूँ कैसे मैं क्लीन करती हूँ ये पूरा अपना वार्डरोब। देखो गाइस, मैंने ये वाला बॉक्स को ना अच्छे से क्लीन कर दिया है, ऊपर वाला बचा हुआ है। तो अब चलो ऊपर को करते हैं, इसमें भी मुझे अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। तो मैं करती हूँ, उसके बाद आपको पूरा ऊपर से नीचे तक दिखाती हूँ। आप देखो मेरे जो कपड़े लवारिस की तरफ पड़े हुए थे वो कितने अच्छे लग रहे हैं, मतलब इनको अपना घर मिल गया, अच्छे से ये अरेंज हो गए। ये है साफ करने के बाद बाहर का कचरा जो बेड पे हम लोग इतना ज्यादा फैला है और नीचे में भी बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे मेरी बहन लेली को नहा कर तुरंत लेकर आई है और इसको साफ वगैरह कर रही है।
तो देखो गाइस, अपना वार्डरोब तो मैंने क्लीन कर लिया है, बट अब बारी है अपने फेस को क्लीन करने की। एंड कल है होली, अब होली के दिन मैं हुरपरी ना बनू ऐसा हो नहीं सकता, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको भी स्किन केयर करना है अपना। यहाँ पे बस मैं एक मुल्तानी मिट्टी ली हूँ, विटामिन का कैप्सूल, एंड उसमें ऐड करूंगी रॉ मिल्क। तो सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी को कट कर लेती हूं। एंड आपको ना बस 1 से 2 स्पून डालना है, मैं अपने अकॉर्डिंग डाल लेती हूँ जितना मुझे लगाना है अपने फेस पैक पे। एंड उसके बाद ना आपको विटामिन ए का कैप्सूल 1 या 2 डाल सकते हो, 2 भी चल सकता है, बट मैंने 1 ही डाला था। एंड उसके बाद आपको थोड़ा सा रॉ मिल्क डालना है और इसको मिक्स करना है। आप चाहो तो इसमें रोज वाटर भी मिक्स कर सकते हो। एंड इसका अगर फेस पैक आप लगाते हो ना, तो सच में आपकी स्किन बहुत ही ब्राइटनिंग हो जाएगी एंड फेस पे जितनी टैनिंग है ना वो भी निकल जाती है। नानी को नहीं लगाना है, बट देख रही है, बहुत गौर से देख रही है। क्या लिप रही नानी, देखो ना क्या क्या लिपते हैं। हम सोच रहे हैं कि अपने नेक एरिया को भी कर लूं, कर ही लेती हूं। यहां भी बहुत ही ज्यादा टैनिंग वगैरह हो चुका है मेरे नेक एरिया पे भी। और मुल्तानी मिट्टी के जो फायदे है वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूं। अगर आप रॉ मिल्क लगाकर इसे अप्लाई करते हो और उस पे विटामिन कैप्सूल डालते हो तो भाई साहब चमक जाओगे, सोच लेना। अब जब तक मेरा फेस ड्राई नहीं हो जाता तब तक मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर लेती हूँ, बट मुझे याद आया मेरे को तो बॉयफ्रेंड ही नहीं है यार, ये कैसा सितम भगवान करते हो, एक सच्चा बॉयफ्रेंड है तो यार होली में चमक जाऊंगी, तो प्लीज दे देना। और होली के दिन तो मिल गया तो 4 चांद लग जाएगी मेरी इस होली पे। देखो भाई साहब, मतलब फेस इतना ज्यादा ब्राइटनिंग कर दिया है, अब बिफोर और आफ्टर में देखो कितना ज्यादा फर्क आपको दिखेगा, क्या ग्लो है गाइस। मतलब ये वाला ना तुरंत आपका हो भी जाता है, इसमें कुछ आपको झंझट है भी नहीं। और आप इससे अप्लाई कर लेते हो ना वीक में एक बार, सच में आप अगर मेरी तरह डल स्किन है आपका या मेरी तरह मीडियम स्किन टोन में आते हो ना, तो एकदम गोरे हो जाओगे। जस्ट लाइक मी, देखो मेरा फेस कितना ज्यादा ब्राइट लग रहा है। हल्का हल्का सीधे से बस कट कर लेती हूं, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पार्लर जाके अपना आईब्रो बनवा सकूं, और बस हल्का सा ऊपर से मैं कट कर रही हूं। देखो मैंने अपने आईब्रो को ना ऊपर से कट कर लिया है, बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। नीचे से मैंने नहीं हटाया है क्योंकि नीचे से मुझे नहीं आता कैसे आईब्रो को क्लीन किया जाता है। तो चलो पहले मॉइस्चराइजर को अप्लाई कर लेती हूँ अपने अपर लिप्स के ऊपर, एंड देन उसके बाद इसे मैं सेव करूंगी। आई नो कुछ लड़के अब इस पे कमेंट भी करेंगे, बट मैं सारे हेटर्स को रिप्लाई देने में एक्सपर्ट हो चुकी हूँ, 2 साल हो गए भाई यूट्यूब पे आए हुए, मुझे मजा आता है उनको रिप्लाई देने में भी। रेजर आपका हमेशा 45 डिग्री पे होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से देखो सेव हो गया इस साइड का, इधर का भी करना मेरे को अभी। एक रेजर को आप 3 ही टाइम्स यूज कर सकते हो और सैनिटाइज हमेशा करके रखना। देखो कितना ज्यादा गंदा निकला है, बताओ इतने ज्यादा हेयर थे मेरे अपर लिप्स पे, मैंने लगता है 2 महीने से अपने अपर लिप्स को शेव नहीं किया था, तो इस वजह से देखो यहाँ पे इतना ज्यादा आपको हेयर दिख रहा होगा। अब आप देख सकते हो कि मेरा देखो अपर लिप्स कितना क्लीन लग रहा है, यहाँ पे आपको एक भी हेयर देखने को नहीं दिखेगा। एंड मैं फेस पे रेजर नहीं अप्लाई करती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है, नहीं पता क्यों, जब मुझे ऐसा लगेगा कि चलो भाई फेस का भी हेयर रिमूव करना चाहिए रेजर से, तो मैं करके दिखाऊंगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ अपने स्किन केयर रूटीन में, तो अब बस फेशियल ऑयल के 2 ड्रॉप मैं लगाऊंगी एंड बस हो गया, यहीं पे मैं अपना स्किन केयर को कम्प्लीट करूंगी क्योंकि घर के भी काम मुझे बहुत सारे करने हैं। अगर आप होली खेलने बाहर जा रहे हो तो आपको अच्छे से सनस्क्रीन अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है, उसके बाद फेशियल ऑयल भी अप्लाई कर लेना जिससे जितने भी रंग है वो इजिली छूट जाए और आपका स्किन खराब ना हो। तो गाइस यहीं तक था मेरा ये होली स्किन केयर का रूटीन, एंड मैं कल आपसे मिलती हूँ, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली टू एवरीवन। आप सभी का लाइफ ना रंगों से भर जाए, खुशियों से भर जाए, और आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहो और मुझ पर प्यार ऐसे ही दिखाते रहो। तो आप सभी को मैंने तो विश कर दिया, बट मेरी नानी भी आप लोग को विश करेगी, तो नानी हैप्पी होली बोल दो। हैप्पी होली। तो नानी की तरफ से भी आप सभी को हैप्पी होली। एंड नानी मेरी बहुत ही क्यूट है, सुबह से उठकर ना काम भी कर रही है, मम्मी का हाथ भी बटा रही है, मैं ही थोड़ा सा लेट से उठी थी, तो चलो कोई नहीं। तो गाइस पट्टावासी ना 26 को मना रहे हैं और आज 25 है, और मैं सोची कि नहीं भाई मेरे गांव साइड तो 25 को मनाया सारा और बाहर सभी लोग 25 को मना रहे, तो मैं क्यों 26 को मनाऊं यार। ये देखते हैं शाम को मेरी फ्रेंड लोग आती है कि नहीं आती है, तो मैं सबसे पहले किसको रंग लगाऊंगी वो बताओ आप।
कान्हा जी को, मम्मी पीछे से बोल रही है कान्हा जी को लगाओगी। मैं ना लड्डू गोपाल जी को रंग लगाने वाली हूँ, तो चलो पूजा भी करूंगी और लड्डू गोपाल जी को रंग भी लगाऊंगी। ओ माई गॉड, यहाँ पे तो सुबह ही से मेरे घर में सब लोग पूजा करके रखा है। मतलब मेरी बहन ना सुबह 4 बजे उठ के भगवान का पूजा सेवा सब कुछ की है और अबीर भी लगा चुकी है। देखो मेरे लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं और मम्मी ने भी पूजा पाठ कर लिया है। एक लास्ट में बची मैं। देखो इस थाली में मैंने अबीर रख लिया है और अब बारी है अपने लड्डू गोपाल जी को रंग लगाने की। तो मैं लड्डू गोपाल जी को ऐसे कोमल कोमल हल्के हल्के हाथों से अबीर लगा दी हूँ। देखो मेरे पास ना 2 लड्डू गोपाल है, तो 2 लड्डू गोपाल जी को मैं रंग लगा दी और हैप्पी होली लड्डू गोपाल जी। तो देखो यहाँ पे मम्मी पुआ बना रही है और यहाँ पे पुए भी बन रहे हैं और एक साइड देखो सब्जी भी चढ़ा हुआ है, पनीर आलू की सब्जी बन रही है। और सुबह से मम्मी लगी हुई है, देखो अभी बाल भी मम्मी का गीला है और सुबह से किचन में है और हम लोग के लिए पुए छान रही है। तो देखो मेरे हाथ पे 2 पनीर के पैकेट हैं, आलू चढ़ा हुआ है, जल्दी से मैं पनीर मम्मी को दे देती हूँ। अमूल का जो पैकेट है ना, इसमें पहले से कटा हुआ रहता है पनीर, तो काटने की कोई जरूरत नहीं होती, टूटने का भी डर नहीं होता है। तो हमारे घर में यही वाला पनीर का पैकेट आता है। एंड अब ना मैं प्याज काटने वाली हूँ क्योंकि सुबह से मैंने कोई काम नहीं किया है, तो चलो कुछ काम कर लेते हैं ना। तो देखो मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई है प्याज काटने की, और ये गम के आंसू नहीं है, प्याज कटे के आंसू। किसको मेरी तरह ऐसे ही रोना आता है बहुत ज्यादा प्याज काटते टाइम। यार कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा भी आंसू नहीं आता है। तो देखो एक साइड मैंने पनीर आलू की सब्जी के लिए प्याज कट किया और दूसरे साइड इस प्याज को ना पीसना है क्योंकि ये वाला मछली में जाएगा। सुबह तो अभी स्टार्ट ही हुआ तो, और ये सारे बच्चे ना होली के लिए स्टार्ट भी हो गए थे और बड़े बड़े पिचकारी लेके ना एक दूसरे को लगा रहे थे। ये लोग को देख के ना मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं भी बचपन ऐसे ही किया करती थी, मैं ना रेलिंग पे खड़े होके सबको लगाती थी, रोड पे जितने भी लोग आते थे ना सबको पढ़ाती थी। वैसे आपने एक चीज नोटिस किया, ये जो रोड पे गंदे पानी है ना, वही लेकर ना ये एक दूसरे को लगा रहे थे। नाले का पानी था भाई साहब। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ये नकली एक मुर्दा का वो बांस टाइप का बना दिया गया था, और यहाँ पे ये लोग राम राम सत्य सुबह सुबह कर रहे थे होली वाले दिन, और डंडे सबके हाथ में थे और सबके दरवाजे पे पीट रहे थे ये पागल की तरह। तो देखो ये नानी का प्लेट एंड ये है मेरी बहन का और ये है मेरा। एंड अब हम लोग दही बड़ा खाएंगे और कितना ज्यादा वेट कर रही है मेरी नानी। कैसा लगा नानी, टेस्ट कैसा बनाई है मम्मी? हाँ? अच्छा है बहुत जल्दी बोल दी। यहाँ पे मेरी मम्मी ना वीडियो कॉल पे अपने कजन भाई से बात कर रही थी। कही आशीर्वाद दिया तुमका, जमीन तो अच्छा है लेकिन घर है वो तो ना अखन देखे जगह पे लिया। काकी छते हां हैया काकी है ले खूब आनंद रहो। अच्छी ना? ठीक ठीक ठाक काकी, मुझे नहीं हो। दिन तो अभी कुछ पूड़िया भी छान लेती हूँ मैं। तो अभी ना दोपहर के 2 बज रहे हैं और हम लोग का लंच टाइम हो गया, और यहाँ पे ना हम लोग मछली चावल खा रहे थे, तीनों थे मतलब मम्मी भाई और हम, और हमारी होली ना खाने पीने वाली होती है। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ होली खेलने के लिए, और अभी ना शाम का टाइम है और मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, तो वहाँ पे जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। तो आ गई मेरी फ्रेंड, हैप्पी होली, बुरा ना मानो होली है। ये फोटो बाकी है, छोड़ दो छोड़ दो प्लीज छोड़ दो। हैप्पी होली, हम लोग तो गला मिलेंगे पहले। हैप्पी होली भैया, लगा लगा सब गोपी, जितनी गोपी है सब लगा लाइए लाइए। पकड़ा है यहाँ पे अकेले। लाला तुमको भी देते हैं। इधर पापा रखो था। लक्ष्मी रानी भी रवैन। हैप्पी होली। हैप्पी होली। बुरा ना मानो होली है। हैप्पी होली आंटी, आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ खुश रहिए। आप भी लगाइए। आ रही है।
यहाँ पे देखो दही पड़ा है, कस्टर्ड है, गुलाब जामुन है और साथ में मेरी फ्रेंड है जो कि अपना पेट छुपा रही है और ये सब खुद तैयार किया अपने हाथों से। क्या लक्ष्मी क्यों ना? हाँ, हैप्पी होली आंटी। कहा है आपको लगा अभी रहे यार, अभी ले ही के खड़ी आंटी। हाँ ब्लॉग बना रहे, सिंदूर खड़ी मांग दे, सिंदूर खड़ी ना, हल्का 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 लगा दो लक्ष्मी। तनु तुम लगाओ, मिशन कंप्लीट करो जल्दी 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 लगा लगा लगा। हैप्पी होली अच्छा तुम लगा दी हो गई। अरे वाह रात में काला चश्मा है। हैप्पी होली, हैप्पी होली बुबू। ए इसको कलर दो तो। पापड़ वाला है इस वजह से लगा है। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा होली हम लोग का सेलिब्रेट हुआ होगा और वो भी पानी पूरी के साथ। फर्स्ट टाइम पानी पूरी खा रही हूँ, वो भी होली वाले दिन गाइस। हैप्पी होली। बहुत बोला, बहुत बोला, बहुत बोला, बहुत बोला। और बोला ना, और यार पूरा पूरा फेस खाली लग रहा है, पूरा फेस में लगाओ ना यार। सेलिब्रेट हुई, आपकी कैसी हुई आप कमेंट में बताना। और पहले तो खाने से शुरुआत हुआ था बट लास्ट एट द एंड में हम लोग ने होली खेल ही लिया। तो मेरे इस ब्लॉग को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ खूब सारा शेयर कर दो और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खूब सारा प्यार, बाय।